السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين حافظ صاحب مائك چیک کیا آنا ہے پرسو 23 مارچ امبیسی گیا تھا میں کافی عرصے بعد وہاں ایک ساتھی مل گئے جمعہ پڑھتے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ ان کے بھائی تھے جو سعودیہ سے آئے تھے ان سے تعارف میں انہوں نے ایک بات کہی جس سے میں نے آج کا موضوع لیا ہے اللہ کے بعد انسان کو سب سے زیادہ اپنے آپ سے ڈر لگنا چاہیے اس لیے کہ انسان کا دین یا دنیا کا نقصان اس کے اپنے آپ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا سب سے جو خوفناک چیز ہے جس سے ڈرنا چاہیے جو ایک پل میں آپ کے تمام اعمال کو ضائع کر سکتی ہے آپ کی جنت کو جہنم میں بدلی کر سکتی ہے وہ آپ خود ہیں وہ ہماری زبان ہی کا کوئی جملہ ہوگا جو دین سے خارج کر دیتا ہے ایک جملہ جو جنت سے نکال کے جہنم کے بدترین جو سیکشن ہے اس میں بھیج سکتا ہے تو اس لحاظ سے انسان اپنا سب سے بڑا دشمن ہے پھر اس دشمن سے جتنا ہوشیار رہنا چاہیے ہم وہ بھی نہیں رہتے
क्योंकि इसको अपना समझते हैं और ये अपना ही लंका ढाता है, क्योंकि ये हमारी कमजोरियों से वाकिफ है, हमारे जो भी वीक पॉइंट्स हैं वो सारे इसके इल्म में हैं, हम किस दाव से हारते हैं इसे पता है। लिहाजा इससे बढ़कर खतरनाक और कोई चीज नहीं। दो चीजों से इंसान को डरना चाहिए, एक अल्लाह से और एक अपने आप से। हम अहादीस में ये पढ़ते रहते हैं कि जुबान के नुकसानात क्या हैं। इंसान जब सुबह उठता है तो इस इंसान के जिस्म के सारे आज़ा जुबान से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, क्योंकि करना इसका होता है और सजा उनको भुगतनी पड़ती। फिर आंखों की खयानत, फिर बाकी मामलात आते हैं। दूसरा, जो भी मेरा नुकसान करेगा वो मुझे इस्तेमाल करके करेगा, अकेला कुछ नहीं कर सकता। शैतान कितना अपने आप को ताकतवर समझता है, शक्तिमान, लेकिन वो भी मजबूर है मेरे सामने। जब तक मेरा तआमुन उसे हासिल ना हो तो उसका मशवरा सिर्फ मशवरा ही रहता है, अमल नहीं बनता। एक मशावरती कौंसिल होती है जो सिर्फ मशवरे देती है, वो कंसल्टेंट है, मशवरा देता है, पैसे नहीं देता। वो हम नहीं अरेंज करने होते, वो हमारा दर्द सर है, वो तो ख्वाब बेच देता है कि अगर तुम यूं कर लो तो यूं हो जाएगा, यूं कर लोगे तो यूं हो जाएगा। अब ये हमारे ऊपर है और देखे कयामत के दिन ये बात वो सरे महशर कह देगा। वकाल शैतान उलम्मा कुदी अल अम्र, जब मामलात चुका दिए जाएंगे, फैसले हो जाएंगे और इंसान शैतान को लान तान कर रहे होंगे, तो वो ये बात कहेगा इन्नल्लाह वादकुम वादल हक, अल्लाह पाक ने तुमसे जितने वादे किए थे सारे सच्चे वादे थे। वावअतुकुम फअखलफतुकुम, मैंने तुमसे वादे किए उनके खिलाफ किया, इसलिए कि मेरे हाथ में तो सिर्फ ख्वाब ही थे ना, मेरे पास तो था ही कुछ। मा कान अली अलैकुम मिन सुल्तानिन, मेरे पास तुम्हारे ऊपर कोई ताकत नहीं थी, ना मेरा कोई हक तुम्हारे ऊपर बनता था। होता ना माँ बाप की जो ताकत होती है वो राइट्स की ताकत होती है, वो हमारे माँ बाप हैं। बूढ़ा कमजोर सा बाप भी अगर हमें थप्पड़ मार देता है तो हम हाथ नहीं उठाते, बड़े से बड़ा पहलवान भी सर नीचे करके मार खा लेता है। तो वो ताकत जो बाप की ताकत है वो उसका इस्तेहकाक है, शैतान का हमारे ऊपर कोई इस्तेहकाक नहीं है। शैतान ना हमारा नक्शा बनाने में शामिल है, ना मटेरियल में शामिल है, ना उसके उससे कोई पार्ट अल्लाह पाक ने जो है वो उधार लेके हमें लगाया है, तो शैतान का हमारे ऊपर कोई इस्तेहकाक नहीं और ना ही उसे कोई ताकत हासिल है कि हम कोई काम ना करना चाहें और वो हमें पुट्ठा लटका दे कि नहीं जी तुमने ये करना है वरना मैं ये कर दूं। मा कान अलैकुम मिन सुल्तान, ना दलील की ताकत थी, तीनों ताकतें कोई नहीं थी, ना उसका इस्तेहकाक बनता था। अल्लाह पाक को अपनी इबादत के लिए दलील देने की जरूरत नहीं है, उसका इस्तेहकाक है बहसियत हमारे खालिक के हम उसकी इबादत करें, दलील क्यों दे वो। अगर बाप बेटे से उधार मांगता है तो दलील क्यों दे, दलील तो वो किसी और को देगा ना। अगर दलील दे के मिन्नत तरला करके लेने तो फिर वो कहीं और से ले लेगा। अल्लाह पाक का हम पर इस्तेहकाक है, वो चाहे तो 5 नमाजें कर दे, 50 कर दे, रोजे 3 महीने के कर दे, 1 महीने के कर दे, हमें पूछने का हक नहीं है कि आप कौन होते हैं ये करने वाले। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून,
दूसरी चीज वो हमारा खालिक है, मालिक भी है, खालिक भी है, आका भी है, हम उसके बंदे हैं, गुलाम हैं हम उसके, मजदूर नहीं है। मजदूर ये कह सकता है कि देखे जी ये 30 दिरहम में मैं ये काम नहीं कर सकता, वेरी सॉरी, बाहर मुझे इसका 100 दिरहम मिल रहा है। मजदूर ये कह सकता है कि आपका पैकेज जो है वो मुझे मंजूर नहीं है, बाहर मुझे इसके ज्यादा मिल रहे हैं। हम मजदूर नहीं हैं, हम गुलाम हैं। वो आपने शेर सुना है ना कि सजदों के एवज फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूं, बंदा हूं तेरा, मजदूर नहीं। दूसरी चीज हो गई कि अल्लाह पाक हमारा खालिक है, उसने क्रिएट किया हमें। फिर यह कि वो दलील देता है, बड़ी अजीब बात है, देनी नहीं चाहिए, दलील देता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाय वल मुनकर, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ, पर्दा करो, मिक्स मत हुआ करो, ये तुम्हारे दिलों के लिए भी बेहतर है, उनके दिलों के लिए भी बेहतर। शैतान के पास ना इस्तेहकाक है, वो हमारा कुछ नहीं लगता, उसके साथ अगर कोई हमारा रिश्ता है तो दुश्मनी का है और दुश्मन का कोई इस्तेहकाक नहीं होता, ना जबर कर सकता है हमारे ऊपर वो, अल्लाह पाक जबर भी कर सकता है। कोई बंदा कहे नहीं जी ठीक है मैं आज से बायकॉट करता हूं, अल्लाह पाक की ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करूंगा, जबर है ना, तुम करोगे, उसके बगैर तुम जी नहीं सकते। फिर दलील भी उसके पास नहीं, जितने बुरे काम हैं, जितने अच्छे काम है उन सब की दलील मौजूद है। अगर किसी को शराब से रोकना हो तो 100 दलीलें मौजूद हैं, शराब पिलानी हो तो कोई दलील नहीं, सिवाय चस्के के चलो आज थोड़ी सी चेंजिंग हो जाए यार, बड़ी अतात करके देख ली है, इतना अरसा हो गया। ये जो हमेशा पहला सूटा जो होता है और पहला घूंट जो होता है ये फ्री का होता है और शौक शौक में होता है। दोस्त कहता यार लगा सूटा, कोई नहीं कयामत आती, एक सूटे से कुछ नहीं होता। जिद ना कर आज 2 घूंट पी ले, जिंदगी 4 दिन की है जी ले। दलील शैतान कभी नहीं देता कि नमाज मत पढ़ो, फिल्म देखो, फिल्म सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है, इससे नजर तेज होती है, कभी दलील दिया शैतान ने? झूठ बोलने की कोई दलील नहीं है, रिश्वत की कोई दलील नहीं है, जिना की कोई दलील नहीं है, मिलावट की कोई दलील नहीं है, बिला दलील हम करते हैं। मा कान अली अलैकुम मिन सुल्तान, अगर कोई जोर था दलील का, जबर का या इस्तेहकाक का, कोई होती है ना, दो आने की पार्टनरशिप होती है, साइलेंट पार्टनर भी अगर आ जाए और साइट पे आके मजदूर को कुछ कहे तो कहना पड़ता है कि ये कफील है भाई, चाहे पैसे सारे किसी और के लगे हुए हों, वो साइलेंट पार्टनर है, दो आने का है, लेकिन बहरहाल उसका कुछ ना कुछ इस्तेहकाक है। शैतान के दो आने भी कोई नहीं लगे हुए, वो किसी चीज में पार्टनर भी नहीं है, लिहाजा तीनों मेरे पास कोई दलीलें नहीं थी। ये तुम्हारी मेहरबानी है। मा कान अली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दाउतुकुम, मैंने तुम्हें दावत दी थी कि ऐसे कर लो, फस्तजब तुम ली, तुमने मेरी बात मानी, मैंने मनवाई नहीं है, तुम तुले बैठे थे। जिस बच्चे ने स्कूल से भागना होता है ना, वो दूसरे वाला उसको कोई उठा के कंधों पे नहीं ले जाता, अम्मा गिल्ला करने चल पड़ती है, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को खराब कर रहा है, कंधे पे उठा के लेके गया था तुम्हारे बेटे को, वो तुला बैठा होता है कि कंपनी मिले और मैं स्कूल से भागूं। वो बंदे तुले बैठे होते हैं शैतानी करने के लिए,
कि कोई शैतानी मिले, कोई शैतान कंपनी दे तो हम भागें। और वो हर बंदे को चेक करता है कि शायद ये तुला बैठा हो, शायद इसे कंपनी चाहिए हो, शायद ये स्कूल से भागने वालों में हो, मस्जिद में से भागने वालों में से हो। वलाकद सद्दक अलैहिम इबलीस ज़न्नहु फत्तबऊहु इल्ला फरीका मिनल मोमिनीन। इन्होंने शैतान के जन को सच कर दिखाया। वो गुमान में हर बंदे को टच करता है कि हो सकता है ये मौलवी साहब 60 साल से अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अब फेड अप हो गए हो, पिकनिक मनाना चाहते हो, ले चलो साथ इनको घुमा के ले आओ। तो वो कयामत के दिन कह देगा तुमने मेरी दावत को कबूल किया, नबी की दावत को रद्द किया, अल्लाह की दावत को रद्द किया, तुमने सुना था हैया अलस्सला तुम नहीं गए, फला तलूमूनी वलूमु अनफुसकुम, मुझे मलामत मत करो, लूमु अनफुसकुम अपने आप को मलामत करो, मा अना बिमुसरिखिकुम व मा अंतुम बिमुसरिखी, आज ना तुम मुझे बचा सकते हो ना मैं तुम्हें बचा सकता, इकट्ठे पिकनिक मनाएंगे जहन्नम में चल के। तो जब तक हम शरीक ना हों, शैतान जैसा ताकतवर दुश्मन भी कितनी सलाहियतों वाला है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके लिए अल्लाह पाक ने जो उसूल बनाया नेगेटिव पॉजिटिव वाला, आप देखते हैं कि तार जो है वो कितनी भी पावरफुल आप लगा दे, रेड वाली काली वाली ना लगाए, मिस्कीन सी है बेचारी, कोई चीज नहीं चलती, बंदा मार देती है चीज कोई नहीं चलती उस, जब तक उसके साथ नेगेटिव ना लगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव, या तो शैतान पॉजिटिव है हम नेगेटिव वाले हैं, या फिर हम रेड वाले और शैतान काली वाला है, लेकिन हम दोनों मिलते हैं तो गुनाह होता। इसी तरह कयामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रूह और बदन का वहां पे महाकमा होगा। रूह कहेगी कि मैं तो एक जौहर था, मेरे तो ना हाथ थे ना पांव थे, ना मैंने वो चीज खाई थी जो ये चुरा कर लाया है, ये सारी जरूरत इसकी थी, पसीना इसको आ रहा था मुझे नहीं, इसने ऐसी रिश्वत में लिया था, मेरा क्या कसूर है जी। और बदन कहेगा सरकार अगर ये मेरे अंदर ना होती तो मैं तो एक मट्टी का बुत था, मैं तो कर ही कुछ नहीं सकता था, वो जो सारी डेटा प्रोसेसिंग फैसिलिटी थी वो इन्हीं की थी, इन्होंने तावन किया, इन्होंने करवाया है, इन्होंने सोचा, इन्होंने प्लानिंग की है, इन्होंने जगह तय की है, मैं तो चल के गया, मस्कीन था चला के लेके गया ये। अल्लाह पाक कहेगा अच्छा तुम्हारे फैसले से पहले तुम एक फैसला कर दो। एक अंधा था और एक लूला था जिसके पांव नहीं थे दोनों, दोनों को लगी भूख, अंधे को सुधाई कुछ नहीं दे रहा था, नजर कुछ नहीं आ रहा था, ये जो लूला था दो टांगों से महरूम, इसे नजर तो आ रहा था मगर ये खड़ा नहीं हो सकता था। तो दोनों ने कोऑपरेशन का सोचा, उस वो जो लंगड़ा था जिसकी टांगे नहीं थी उसने उस अंधे से कहा कि यार तुम मुझे अपने कंधे पे बैठा लो, मेरी एक्सेस वहां तक दे दो, मुझे नजर सब कुछ आ रहा है, बस टांगे कोई नहीं है, टांगे तुम मुझे अपनी दे दो तो मैं उतारूंगा, दोनों मिलकर खाएंगे। उसने कहा यार ये बिल्कुल सही बात, उस अंधे ने उस आंखों वाले को मगर टांगों से महरूम शख्स को अपनी टांगे लैंड कर दी, उसको अपने कंधों पे बैठा लिया। अब उसने वो तोड़े सेब, दोनों ने बैठ के खाए, इतनी देर में माली आ गया, उसने दोनों को पकड़ लिया। अब अंधा कहो खुदा का वास्ता मेरी तो आंखें ही को नहीं हो, मैंने किए ही कुछ नहीं हो, मेरे बाप को भी नजर, तुम खुद सोचो यार तुम्हारे अपने अंदर भी अक्ल है, मैं कैसे कर सकता, कोई घंटी लगी हुई थी तुम्हारे सेबों के साथ जो बज बज के मुझे बता रही थी, अंधों का मैच हो रहा था कि यहां सेब है,
और वो टंगा का, वो जिसकी टांगे को, खुदा का खौफ करो, इतने 7 फुट 8-10 फुट ऊपर मेरा बाप भी नहीं उठाओ, मैं तो उठ ही नहीं सकता अपनी टांगों से, मैं कैसे चोरी कर सकता था। अल्लाह पाक कहेगा उनसे, बताओ तुम कि उनका फैसला क्या होना चाहिए। दोनों बयक जुबान बोलेंगे कि दोनों को सजा मिलनी चाहिए, चूंकि जुर्म में दोनों शरीक थे। अल्लाह पाक कहेगा ये तुम्हारे उसका केस का फैसला है, तुम दोनों ने जो किया एक दूसरे के कोऑपरेशन से किया, तआमुन से किया, ना रूह ने इनकार किया ना बदन ने इनकार किया, बदन ने फायदा उठाया उससे। माल जहां से बरामद हो जाता है चोरी का, उसको शरीक समझा जाता है कि नहीं समझा जाता? खाया तो बदन नहीं है ना, सोता तो ये था ना एसी में लंबी तान के कुंडा डाल के, इसी के यहां से वो मुद्दा बरामद होगा। कमरे ठंडे कर लो, कब्र गर्म कर लो, कहीं ना कहीं तो गर्मी देखनी है ना, या यहां देख लो या वहां देख लो। यहां चलो एसी नहीं होगा, पंखा तो चल जाएगा, वो नहीं होगा तो हाथ वाले पंखे का तो कोई लोड शेडिंग के साथ ताल्लुक नहीं है ना, कब्र में वो भी कोई नहीं। तो सबसे जो खतरनाक चीज है, जिससे डर डर के हमें चलना चाहिए, जिस पे निगाह रखनी चाहिए, जिसका मुराकबा करना चाहिए, अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों तुम्हारे जिम्मे तुम्हारा अपना आप है, ला यदुर्रुकुम मन दल्ला, दूसरा कितना भी भटक जाए तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इज़ा तदई तुम, अगर तुम सीधे रस्ते पर। यह है सबसे बड़ा मसला। और हम सारी दुनिया को चेक करते हैं, नहीं करते तो अपने आप को नहीं करते, अपना जायजा नहीं लेते, अपनी तादीब नहीं करते, अपनी तरबियत नहीं करते, अपनी सोचों का जायजा नहीं लेते। उलमा कहते हैं ना कि जिस तरह बकाल जो होता है दुकानदार, वो हर आने वाले नोट और सिक्के को चेक करके अपने गले में डालता है। अब तो मशीनें आ गई ऐसे करके नोट 500 वाला रख के तो वो देखते हैं बैंक वाले। बार दफा सिक्के जब चलते थे हमारे यहां, खोटे भी होते थे, चल चल के घिस जाते थे शायद, वो चेक करता था, कहा कि देखो अपनी सोचों को बकाल की तरह चेक कर करके तो उन्हें अपने दिल में जाने दिया करो। सोच की दो जगह हैं, एक है इंसान का दिमाग, दिमाग तो बिल्कुल डिश की तरह है, हर ख्याल आता है इसमें, दिल का हाल रिसीवर वाला है, अपनी पसंद का स्टेशन आप डाउनलोड कर सकते, बाकी को छोड़ दें। दिमाग ओपन है, वहां इंसान बेबस है, लेकिन दिल के पास इख्तियार है, दिल उस चीज को आने, इसलिए कि जब वो दिल में आएगी तो अमल में आएगी। वो तकी उस्मानी साहब की आपको मैंने मिसाल सुनाई हुई है, कहते हैं हम उमरे पे जा रहे थे जद्दा से, हम मक्का शरीफ, तो रस्ते में हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था, तो वहां पेट्रोल पंप से पहले ही एक टैंकर खड़ा था, 20,000 गैलन उसके अंदर था भरा हुआ डीजल का। तो उससे पूछा उस टैक्सी वाला, वाकिफ होगा उसका, क्यों खड़ी हुई है गाड़ी, खैरियत है? कहने लगा यार वो डीजल खत्म हो गया, मैंने ख्याल नहीं किया। तो अब इन्होंने उससे कहा कि देखो ये डीजल तो उसके ऊपर 20,000 गैलन पड़ा हुआ। ये कहता डीजल कोई नहीं, उनका जहां होना चाहिए वहां कोई नहीं, ऊपर लदा हुआ 20,000 गैलन लेकिन इस गाड़ी के काम का नहीं है जब तक इसकी टैंकी में ना आए। हम 20,000 गैलन इल्म जो है वो लोड करके रखते हैं, लेकिन जहां चाहिए अमल में वहां कोई नहीं। तो अमल में कोई चीज तब आती है जब वो दिल में जाती है। तो दिमाग ओपन है हर एक के लिए,
कोई भी ख्याल आता है उसे दिल में बैठाने से पहले, इसलिए फरमाया अफलम यसीरू फिल अर्द फतकून लहुम कुलूब याकिलून बिहा, कुलूब भी अक्ल का काम करते, कुलूब याकिलून बिहा, इसलिए कि मोहब्बत जो है वो दिल का मामला है। जब तक कोई आपको पसंद ना आए काम आप वो नहीं करेंगे। हम आमतौर पे दिमागों में डालते हैं ये भी करो ये भी करो ये भी करो, लेकिन कहा यह जाता है कि देखें आप अपनी बात को थोड़ा सा मीठा करें। आप किसी से उसका महबूब छुड़वाना चाहते हैं ना, गुनाह जो है वो बड़ा लजीज होता है। जिस तरह शुगर वाला जो है वो आम से नहीं ना परहेज कर सकता, खुशबू से मार देती है, खा लेता फिर उसे खफकी लग जाती, खा तो लिया है अब ये चढ़ जाएगी, अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, अब फलां करना चाहिए फलां करना चाहिए। इसी तरह गुनाह जो है वो आदमी बड़ी लज्जत के साथ करता है लेकिन फिर उसे फौरन पछतावे का मर्ज लग जाता है। तो आप उससे एक लजीज चीज छुड़ाना चाहते हैं तो उससे ज्यादा लजीज उसके हाथ में पकड़ाएंगे तो वो दूसरी छोड़ेगा ना। एक खूबसूरत चीज उसके हाथ से आप लेना चाहते हैं जिसको वो खूबसूरत समझता है, तो उससे ज्यादा खूबसूरत उसे दिखाएंगे तो वो छोड़ेगा ना। बच्चा जिद करता है मैंने ये लेना है मार्केट में, तो आप क्या करते हैं, आप कहते नहीं बेटा इसको छोड़ दो मैं तुम्हें वो वाली लेके, आप उसके सामने मुतबादल रखते हैं तो वो जिद छोड़ता है। कहा कि नेकी को उसके सामने ज्यादा दिल नवाज ज्यादा खुशकुन बना के अपनी बात को रखो ताकि वो उसको छोड़ दे और आपकी पकड़ ले। डंडे से नहीं होता, डंडे से औलाद में भी नहीं इंस्टॉल किया जा सकता, वरना नूह अलैहिस्सलाम जरूर कर देते अपने बेटे में और बीवी में। ना बीवी डंडे से मानती है ना औलाद डंडे से मानती है, और अपनी औलाद और अपनी बीवी को प्यार से समझाना यह हमारी मर्दानगी के खिलाफ है। मेरी बीवी इसलिए ना करे कि ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए करे कि मैं कह रहा हूं, मैं फॉर मैन हूं, और आगे वो भी इंसान है। तो उसके लिए इस नफ्स को राजी करने के लिए इसकी मिसाल बच्चे किसी, किस किस्म के बच्चे की देखें, जो बच्चा जितना जहीन होता है उतना शरारती होता है, ये तयशुदा बात है। उसका प्रोसेसर बड़ा तेज होता है, वो बयाक वक्त कितने पेज खोल लेता है। जो डल माइंडेड होता है वो बड़ा शरीफ होता है। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है ये शरीफ हो जाए, बिल्कुल पोलियो वाले बच्चे की तरह, ना हिले अपनी जगह से ना कोई चीज तोड़े। अब एक बच्चा है वो फुर्तियां भी दिखाता है लेकिन पढ़ता भी है, सारे काम करता है, खेलेगा भी वो। दूसरी मां जो है वो उसका बच्चा 6 साल का हो गया लेकिन अपनी जगह से हिलता नहीं, उसे पोलियो हो गया बचपन में, टांगें भी जवाब दे गईं, फिर बड़ा बुखार हुआ, दोनों बाजू भी उसके चले गए बेचारे के। अब वो सब को जो भी खातून उसके यहां अपने बच्चे लेकर आती है वो उनको बताया कि माशाल्लाह मेरा बच्चा देखे कितना शरीफ है, हिलता ही नहीं है, जहां डाल दो पड़ा रहता है, कोई डर नहीं होता बर्तन तोड़ेगा, कोई डर नहीं होता सड़क पे चला जाएगा, इतना शरीफ बच्चा। अब वो दूसरी माएं उस पर तरस खाएंगी या फख्र करेंगी। एक बंदा अपने नफ्स को ले जाए गार में, बाजार की तरफ आए ना कि जी मैंने अपना आप बचा लिया, आपने अपना आप बचाया नहीं है। आपका हाल उस पोलियो ज्यादा बच्चे का है जो एक ही जगह पड़ा हुआ है, कोई नुकसान नहीं करता मगर फायदा भी कोई नहीं करता, मुआशरा उससे कभी इस्तेफादा नहीं कर सकेगा उस पोलियो ज्यादा बच्चे और उस गार ज्यादा आदमी से। एक तरीका यह है कैसे बाजार से निकालो गार में ले जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से निकले हैं तो फिर कभी वापस नहीं गए, फिर बाजार में आए, नेकी को घसीट घसीट के गारों से बाजार में लेकर आए, दुकानदार नेक कर दिए हैं,
सिपाही नेक कर दिए, जज नेक कर दिए, जर्नैल नेक कर दिए हैं, पड़ोसी नेक कर दिए हैं, नेकी की जरूरत यहां है। मुआशरे में खतरात भी बड़े हैं लेकिन सिले भी बड़े हैं। आप देखते होंगे जो ऑफशोर कंपनियां होती हैं, रिग होते हैं, वहां जो काम करते हैं, वो जो बेड की चादरें सही करने वाला ना, वो भी वहां 4,500 तनख्वाह ले लेता है। सुबह उठ के जो बेड शीट बदली करता है, क्यों? इसलिए कि वहां तकलीफ ज्यादा है, सोसाइटी से कटे हुए एक महदूद सी जगह पे हैं आप, और वहां का मौसम भी, हवा भी नमकीन है, इसलिए 2-2.5 महीने के बाद वो छुट्टी भी दे देते हैं। दुनिया में खतरे भी बड़े हैं लेकिन फायदे भी बड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग कयामत के दिन नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे। और उनकी शान ये होगी कि बनी इसराइल के नबी एक दूसरे को कोनियां मार मार के पूछेंगे, ये कौन से नबी हैं? पुल सिरात पर से यूं गुजर जाएंगे, कल बर्किल खातिफ, जैसे कैमरे की फ्लैश नहीं पड़ती, ऐसे फ्लैश पड़ेगी और पता चलेगा ये पार करके जन्नत में चले गए। खातिफ, तो बिजली चमकती है इस तरह। अंबिया उन पर रश्क करेंगे, पूछेंगे ये कौन से नबी। और हुजूर फरमाते ला हुम बिल अंबिया, ना वो नबी हैं नबियों के जुमरे में से हैं, वला बिस्सिद्दीकीन, ना वो सिद्दीकीन में से हैं, वला हुम बिशुहादा, ना वो शुहादा में से हैं, इन्नमा हुम अल्लजीन तुक्दा बेअईदीहिम हवाइज नास, ये वो लोग हैं जिनके हाथों लोगों की हाजतें पूरी हुआ करती थी। किसी को मुसीबत में देखा उसकी मदद कर दी, किसी को मुश्किल में देखा उसको मुश्किल से निकाल दिया, ये वो लोग होंगे। अब ये गार में तो नहीं मिलता। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अर्मिला, अर्मिला वो भी होती है जिसको तलाक हो गई हो, और वो भी होती है जिसका शौहर मर गया। असाई, कोशिश करने वाला, लिल अर्मलाते, किसी बेवा या तलाक याफ्ता को पालने में, फीड करने में, उसकी मदद करने में, छत बना के देने में, बच्ची ब्याह के देने में मदद करते उसको। ये जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के घर में उसकी बेटी उजर कर आ जाए और फिर वो दिल छोटा ना करे और उसे उसी तरह खिलाए जिस तरह अपनी दूसरी बेटियों और बेटों को खिलाता है, तो उसकी जन्नत की जमानत मैं देता हूं। यह औरत जो जलती है हिंदुओं में सती होती है, क्यों होती है? इसलिए कि उसको पता मेरी आइंदा की सारी जिंदगी जहन्नम बन गई, वो रोज रोज जलने से मैं एक दफा जल जाऊं। औरत को पता होता है मैं उजड़ के जाऊंगी तो कुत्ते की तरह धुतकारी जाऊंगी, उस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं होगी। वो उसका मुकद्दर था, ब्याह के तुमने दी थी, ना तुम्हें पता था ना उसको पता था, ये तेरा इम्तिहान है। असाई लिल अर्मलाति वल मिस्कीन, मिस्कीन की मदद करने वाला, उसकी मदद में भाग दौड़ करने वाला, और बेवा की भाग दौड़ करने वाला, उसकी मदद में
سعی اور کوشش کرنے والا. کل قائم باللیل لا یفطر, یہ یفطر جو ہے یہ فطرہ سے ہے. فطرہ کہتے ہیں وقفے کو, انٹرول کو. اس نمازی کی طرح ہے جو ساری رات کھڑا رہتا اور درمیان میں کوئی انٹرول بھی نہیں لیتا کہ گھنٹہ بیٹھ جائے یا سو لے. وَقَصَّائِمِ لَا يَفْطُر, یہ توئے کے ساتھ ہے فطر, جس کو افطار آپ کہتے ہیں. اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو کبھی روزہ افطار نہیں کرتا, دن کو بھی روزے میں ہوتا ہے رات کو بھی روزے میں ہوتا ہے. اس کا دن بھی عبادت ہے, اس کا رات کا سونا بھی عبادت ہے. اب یہ غار میں نہیں ملتا. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو بگا لیا جائے اور پولیو زدہ کر کے کسی غار میں بٹھا دیا جائے. یہ جو ہندوؤں کے سادھو بیٹھے 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 پھر اچاریہ بن جاتے ہیں اور ٹانگیں ان کی جڑ جاتی ہیں, جو چیز آپ استعمال نہیں کریں گے قدرتاً وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جب ختم ہو جاتی ہے تو اس حصے کی طاقت بدن کے کسی اور حصے کو مل جاتی ہے. تو ذہن کی قوت بنانے کے لیے, بڑھانے کے لیے یہ نچلا دھڑ مار لیتے ہیں یہ لوگ. یہ جو آسن آٹھا بناتے ہیں نا, یہ اسی لیے بناتے ہیں کہ نیچا لولا ہو جائے اور اس کی طاقت, اس کا خون, اس کی صلاحیتیں دماغ کو ملیں. آپ دیکھتے ہیں جو لوگ نابینا ہوتے ہیں ان کے اندر کتنی صلاحیت ہوتی ہے, امیجینیشن ان کی کتنی قوی ہوتی ہے. وہ یقین کریں گلیوں میں یوں جا رہے ہوتے ہیں, بارش میں دوڑتے ہوئے جناب ٹرن کر رہے ہوتے ہیں, پتہ چلتا ان کی آنکھیں ریڈار لگا ہوا ہے. ایک دفعہ گھڑی پہ ہاتھ پھیر کے وہ ٹائم دیکھ لیتے, اس کے بعد دو گھنٹے بعد آپ پوچھے تو وہ بتائیں گے آپ کو 11 ہو گئے ہیں, پھر دو گھنٹے بعد پوچھے وہ آپ کو بتائیں گے 1 ہو گیا. وہ گھڑی اپنی چلا لیتے. یہ پولیو زدہ ہو جانا, اپنی کچھ شکتیاں حاصل کرنے کے لیے کہ میں کسی کو دیکھوں تو وہ بیمار ہو جائے, اسے بخار ہو جائے, اس کا دودھ سوکھ جائے, بس اسی لیے کرتے ہو نا. اور اسے کیا حاصل کرتے ہو تم لولے ہو کے؟ ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی بازار میں رہے, مارکیٹ میں رہے, سوسائٹی میں رہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, جاؤ میرے بندوں میں اور پھراؤ میری جنت میں. ایک جنت کا راستہ بندوں میں سے ہو کے گزرتا ہے. اب یہ جو راستہ ہے یہ پر خطر ان معنوں میں ہے کہ جب آپ کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا, غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا. تو بندہ دوسرے کو دیکھ کے کچھ تھوڑا سا اریٹیٹ ہو جاتے, انسپائر ہو جاتے. پھر معاشرے میں رہتا ہے تو انسان ہے, وہ بھی ڈپریشن کا مریض ہو سکتا ہے, اس کی بھی تلخ کلامی ہو سکتی ہے, وہ بھی ری ایکٹ کر سکتا ہے. جسے کہتے ہیں کہ جی برتن کے ساتھ برتن بھی رکھا ہو ٹوکری میں تو وہ بھی ٹکرا جاتا ہے, یہ تو زندہ انسان ہے. تو خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ انسانوں میں رہے گا تو اس سے گناہ ہوں گے. اب اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ گناہ کی فکر تم مت کرو, وہ میں نے رحمت کا پورا دریا اور سمندر کھولا ہوا, وہ دھونا میری ذمہ داری. یہ جو فائر بریگیڈ والوں کی یونیفارمیں خراب ہو جاتی ہیں جب یہ آگ بجھاتے ہیں تو سرکاری خرچے پہ صاف ہوتی ہیں, وہ اپنی ذاتی پرائیویٹ لانڈری میں نہیں دیتے. وہ اگر تم دین کا کام کرو گے, اللہ کا کام کرو گے, معاشرے میں رہتے ہوئے تم سے کچھ خطائیں سرزد ہو جائیں گی, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. استغفار کرتے رہو, یونیفارم دھونے کے لیے دیتے رہو, پریس کر کے تمہیں دی جائے گی. کا یومن والا دت ہو امو, اس طرح تمہیں بنا کے بھیجا جائے گا جس طرح یونیفارم اس طرح آتی ہے جیسے آج سل کے آئی ہے. فرمایا اس طرح کر دوں گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہو.
इनकी शायद दो दिन बाद धुली जाती होगी। कहा अस्सला तो इलस्सला, नमाज से नमाज के दरमियान जो गंद लगता है अगली नमाज में साफ कर देता हूं, प्रेस करके मस्जिद से निकालता हूं। वल जुमा तो इलल जुमा, जुमे से जुमे के दरमियान जो लगते हैं वो भी माफ कर देता हूं। वर रमजान इला रमजान, रमजान से रमजान तक जो लगते हैं वो भी साफ कर देता हूं। वल उमरा तो इलल उमरा, वल हज इलल हज। माशरे में रहो। अब लोग ये कहते हैं कि देखें जी, इर्तिकाज नहीं होता, नफ्स मुतमईन नहीं होता, सुकून कल्ब नहीं मिलता, नफ्स शांत नहीं होता, शांति नहीं मिलती। का शांति मिलने के दो तरीके, इत्मीनान कल्ब मिलने के दो तरीके, एक किसी चीज की अहमियत पता चल जाए तो बंदे की कंसंट्रेशन बढ़ जाती। बंदा जब नोटों की गड्डी गिन रहा हो और बच्चा आ जाए, दादा 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 दादा, वो खबर लगी हुई है, वो जियो पे आ रही है लाइव, वो धमाका हो गया, फलां हो गया, तो एक उल्टे हाथ की देता है उसका। अहमियत है ना गड्डी की। हां जिक्र कर रहा है तो फिर तस्बीह लेके दौड़ेगा कि निकल ना जाए, अहमियत कोई नहीं, कहिए तो उसके सामने भी होती रहेगी। हां नोट इधर से उधर हो गए तो 99 का इंसाफ। एक तो तरीका यह है कि अहमियत पता चल जाए कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक मोमिन को अपने ईमान की और अपनी कदर पता ना चले वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। उसे मालूम होना चाहिए कि उसके पास खजाना क्या है जिसको लूटने के लिए दुनिया तुली बैठी और गंडकप उसके पैदा होने से पहले आके बैठा हुआ शैतान। जब हम यहां से जाके एयरपोर्ट उतरते हैं तो जेब कुतरा पहले से ही वहां मौजूद होता है ना भाई साहब, कोई हम दुबई से नहीं लेके जाते, वो गंडकप पहले आके बैठा हुआ है। अब जिस चीज की हमें अहमियत पता होती है हम उसको उतना संभाल कर रखते हैं, और खतरे की हालत में सबसे पहले हम ये जायजा लेते हैं कि वो है या नहीं है। तो उसके लिए मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूं पासपोर्ट की। हम बैरून मुल्क परदेशियों की जान पासपोर्ट में है। कोई ब्रीफकेस ले जाए, कोई बक्सा ले जाए, हमें कोई फिक्र नहीं होती। पासपोर्ट सलामत है तो बक्से भी भरे जाएंगे, ब्रीफकेस भी आ जाएंगे, माफी मुश्किल है। लिहाजा जब हम जाते हैं एयरपोर्ट पर भी तो बक्सा बड़ा भाई लेके गाड़ी में रखना शुरू हो जाता है, जनाब छोटा भाई ब्रीफकेस पकड़ लेता है, लेकिन पासपोर्ट के पास हम किसी को नहीं आने देते। इसको हाथ नहीं लगाना भाई साहब, किसी का एतबार कोई नहीं, इधर उधर कर दे तो। और शरीक अपनों में ही होते हैं ना, बाद में कहें जी वेरी सॉरी, वो पता नहीं मैंने कहां रख दी है, तो वो हम जैकेट की अंदर वाली जेब में रखते हैं। ईमान की कदर हो, बंदे ने पैसे रखे हुए हों तो जब सफर करता और थोड़ी देर बाद उसे वसवसा आता है कि पता नहीं यार पैसे निकल ना गए हों, तो फौरन हाथ मार के चेक करता है जगह सूजी हुई है अभी तक के नहीं, उधर ही है कि नहीं। अच्छा चोर भी उसी हरकत से पहचानते हैं कि कहां रखे हुए हैं, यानी जितनी हम हिफाजत के हिसाब से हाथ रखते हैं उसे पता कि अच्छा यहां है साहब ने खजाना रखा हो। कहा कि जब तुम बाजार जाओ तो बार बार ईमान का जायजा लेते रहो, जब गए थे तो तुम्हारे पास था, वापस आ रहे हो तो साथ है कि कोई नहीं। हमें घर की चाबी की फिक्र होती है, ओह चाबी तो वहीं कपड़े वाली दुकान पर छोड़ आया हूं, बड़ी तो लानत होती है। कोई ये कह के ईमान तो मैं वहीं छोड़ आया हूं कपड़े वाली दुकान पे, वो जो ले रही थी साड़ी मैं तो ईमान उसे दे आया हूं, कभी किसने फिक्र की? वापस आए हो तो बगैर ईमान के आ रहे हो, क्या गारंटी दी गई है?
कहा गया युस्बिह मुमिनन व युमसी काफिरन, सुबह मोमिन होगा शाम होते होते काफिर हो जाएगा, व युमसी मुमिनन व युस्बिह काफिरन, शाम को मोमिन होगा सुबह उठेगा तो काफिर होगा। तो जायजा कौन लेगा भाई साहब? हम नहीं लेना है ना, जो पासपोर्ट का जायजा लेते हैं ईमान का भी हम नहीं लेना है ना। ईमान पर ही सारे वीजे लगे हुए, नमाज रोजे और जकात और हज। ईमान खो गया तो सारे गए, और ईमान जैली साबित हो गया तो असली वीजे भी जैली होते हैं। कोई नहीं कहता कि चलो पासपोर्ट जैली था, वीजे उनसे पूछ लो, अल्लाह की कसम वीजे असली हैं। जैसे हमारे वजीर कानून साहब कहते हैं कि कॉलेज जो था जिसे मैंने सनद ली है वो जैली था, सनद मेरी असली वाली है। तो पासपोर्ट जब नकली हो तो वीजे भी जैली होते हैं। अगर ईमान जैली निकलाया, अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कोई नमाजें नहीं पढ़ी, मस्जिद नबवी में पढ़ी है, पहली सफ में पढ़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इमामुल अंबिया के पीछे पढ़ी है, लेकिन चूंकि ईमान जैली है सब कुछ ही जैली है। तो पहली चीज, अपनी अहमियत को पहचानो, तुम कायनात की सबसे अहम चीज हो जिसके लिए यह दुनिया का निजाम चल रहा है। हुजूर ने फरमाया जिस दिन इस गोले पर, इस जमीन पर, इस धरती पर अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं रहेगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह पाक उस दिन बसात को लपेट लेगा। ये अहमियत है। हो सकता है वो अल्लाह अल्लाह कहने वाला उसकी मकान कोई ना हो, छत ना हो उसके पास, हो सकता है उसके पांव में जूता ना हो, मगर उसकी अल्लाह अल्लाह ने पूरा निजाम चला रखा है। वो अल्लाह अल्लाह खामोश होगी, निजाम समेट लिया जाएगा, सारे मोटरवेज समेत, सारे एटमी रिएक्टरों समेत, सारे प्लाजों समेत, सारी तरक्कियों समेत। अल्लाह पाक को ये वाला नहीं चाहिए, वो अल्लाह अल्लाह चाहिए। ये अहमियत है तुम्हारी। और दूसरी चीज जो इंसान को मुतमईन कर सकती है, कंसंट्रेशन दे सकती है, सब्र और तहम्मुल दे सकती है इन मसाइब के मुकाबले में जो इंसानों में रह के इंसान पर आते हैं, वो मोहब्बत है। मोहब्बत हो जाए अल्लाह से, फिर उसकी मोहब्बत में वो मुआशरे में रहे, फिर उसके साथ ज्यादती की जाए, वो उसकी मोहब्बत में उसे बर्दाश्त कर ले, उसने छोड़ा हुआ। शौहर जब बीवी को मां बाप के पास छोड़कर आ जाए और मां बाप जो है वो ज्यादती करें, अक्सर बेशतर होता यह है कि सेहरा देखने की उम्मीद तो बड़ी होती है, लेकिन जब सेहरा बंद जाता है तो फिर जेलसी शुरू हो जाती है। जेलसी इन मानों में होती है कि अब बच्चा जो है उसकी तवज्जो बट गई है, और कुदरती बात है जो नया खिलौना मिलता है उसकी तरफ बंदे की ज्यादा तवज्जो होती है। अब इधर वो जेलस बच्चा अपना वैसे भी कोई इतना नेक कोई नहीं था, लेकिन अब जरा सा भी रवैया बदलती करता तो कहते चिड़ेल ने ना चाबी मारी है, देख उसको। फिर पता नहीं क्या गुश गुश करते रहते हैं, ये तो लेके ही बैठ गई है मेरे बेटे को। एक अच्छा ये शुरू होती है मां से, बाप से नहीं होती, वो अल्लाह लोग होता है, उसे बाहर के मसाइल काफी होते हैं। घर जब आता है तो फिर उसे कॉपी किया जाता है, कट पेस्ट, अब तुम सारी रात सोबो मत, ये भी हुआ ये भी हुआ। तो जब बंदा यहां आ जाता है पीछे को मिसाइल हूं अगर, और वो घर वाली बर्दाश्त करती रहे, और जब वो जाए और उसे बताए कि मैंने तेरी खातर जो है वो ये बर्दाश्त किया, मेरे साथ ये भी होता रहा ये भी होता रहा, तो फिर कहता सरकार मैं भी तो चूड़ियां असली सोने की लेके आया ना दुबई से आपके लिए, इसीलिए मुझे पता है आपके साथ ज्यादती होती रही, मैंने अपनी अम्मा के साथ 20-25 साल गुजारे, मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, माफी मुश्किल है। बंदा जब रब की मोहब्बत में मसायब बर्दाश्त करता है, कहता अल्लाह पाक मैं सोसाइटी छोड़ के भागा नहीं, वो रहने के काबिल नहीं थी,
मगर चूंकि तेरा हुक्म था कि इन्हीं में रहो, इस्लाह की कोशिश करते रहो, तुम बुराई मत करो, इदफा बिल्लती ही आहसन, फसबिर वमा सब्र का इल्ला बिल्ला, तू सबर कर और तेरा सबर नहीं है मगर सिर्फ अल्लाह के जिम्मे, वाले रब्बे का फसबिर, तू अपने रब के लिए सबर कर, तो फिर अल्लाह पाक उस सबर का सिला देता है। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद लो नमाज से, सबर से, धीरज से। ये इस्तआनत लोग कहते हैं, देखे जी आप कहते हैं या का नाबुद व या का नस्तईन का मतलब अगर यह है कि किसी और से मदद मत मांगो तो यह क्यों कहा गया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, इस्तानत लो सबर से और नमाज से। मैंने कहा जी ये सबर भी कोई दरगाह जहां झंडे लगे हुए हैं मुझे बताएं, और ये नमाज भी कोई बाबा है जिसके यहां जाके चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। कहा गया इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह के अल्लाह पाक से इस्तानत लो दो चीजों पर कायम रहकर, एक तो सबर, जल्दी मत मचाओ कि नहीं जी अभी होना चाहिए, और दूसरा ये कि रब से राबता रखो, तुम बदजन होके रब से राबते की बड़ी जो सबसे बड़ा जो डायरेक्ट नंबर है अल्लाह पाक का वो नमाज है। मूसा अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह पाक ने अपना तारुफ करवाया तो अपना मोबाइल नंबर दिया तो क्या फरमाया वह अकीम सलात अली जिक्री, मूसा नमाज को मेरे साथ राबते का जरिया बना लो। तो कहा गया एक तो नमाज पे इस्तकामत रखो, दूसरा सब्र करो, टाइम फ्रेम अल्लाह पाक को मत दो कि ये पहले दो सालों में बच्चा ना हुआ तो मैं चला जाऊंगा बाबा शादी शहीद। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितना अरसा मांगा है, 18 साल हजरत दाऊद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी सेहत के लिए दुआ मांगते रहे, अल्लाह पाक को टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता। सब्र करो, उसने एक वक्त रखा हुआ है उस वक्त का इंतजार करो, ये है इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। तो जब अल्लाह पाक से मोहब्बत हो जाए, और होनी चाहिए, हम अल्लाह पाक का नाम इस्तेमाल करते हैं, हमने हमारा जो एक परफॉर्मा है ईमानियात का उसके मुख्तलिफ खाने हैं, रब कौन है, रसूल कौन है, दीन क्या है, हम उसको फिल अप करते हैं, उसमें हमने अल्लाह का नाम लिख दिया हुआ है रसूल की जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक रस्मी सी कार्रवाई है, अल्लाह पाक के साथ कभी हमने खुद राबता करने की कोशिश नहीं की, चल रहा है सिलसिला। कभी हम आंखें बंद करके अपने बचपन से लेकर इस वक्त तक अल्लाह पाक के एहसानात देखें और साथ उनको कंपेयर करते रहें अपने ही साथियों के साथ कि जो गलियों के धक्के खा रहे हैं, कोई आपसे मैट्रिक में बिछड़ा था, कोई एफए में बिछड़ा था, कोई बीए में बिछड़ा था, किसी ने पकौड़े की दुकान डाली हुई है, कोई मछली मार्केट में बैठा हुआ है, फिर उन लोगों के साथ जो नाबीने हैं उन्होंने क्या बिगाड़ लिया अल्लाह पाक का। हमारे यहां एक अरबी बच्चा आता है, बहुत खूबसूरत बच्चा है, उसकी ये कोनी नहीं है, ये हाथ उसके कोनी पे लगे हुए हैं, ये अगला हिस्सा जो है उसका कोई नहीं है, यहां पे उसके दोनों हाथ लगे हुए। अब जब छोटे छोटे हाथ यहां से उठा के जब खड़े करता है तो मैं तो उसी को देखता रहता हूं, अल्लाह पाक देख ये गिला नहीं कर रहा कि इतनी सारी मेरी भी आगे लग जाता बाजू तो मैं भी बाकी खूबसूरत बनाया तुझे, बाजू मेरे तूने, हाथ मेरे तूने यहां कोनी पे लगा दी, ऐसे करके छोटे छोटे हाथ उठा के सामने करता, मैं देखिए भी अल्लाह पाक हमारे भी लगा देता तो हम क्या कर लेते, हमें भी आंखें ना देता हम क्या कर लेते, अगर काफर हो जाते तो भी अपना नुकसान करते, ना शुक्री करते तो भी अपना नुकसान करते। बच्चा यहां एक उसकी गर्दन का ये हिस्सा मुड़ा हुआ है, वो आसमान की तरफ ऐसे करके तो चलता है, दुकान पे भी जाता है सौदा लेता है पकौड़े वाली दुकान पे, तो हाँ उसका बाजू सर जो है वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है, जानते जो यहाँ रहते हैं इस इलाके में लोग,
इतना ब्रिलियंट बच्चा है, इतना होशियार बच्चा है कि मैं कहता हूं उसकी गर्दन सीधी होती तो पता नहीं क्या होता ये। मैं उसको देखता हूं तो मैं कांप जाता हूं। अल्लाह पाक हमारे साथ भी ये हो जाता, हम क्या ये जो चीजें हैं ना ये आबस नहीं है। अल्लाह पाक आबस कोई काम करता नहीं है, उसकी शान इससे बहुत बुलंद और बालातर है। ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, क्लरिकल मिस्टेक नहीं। आंखों का स्टॉक खत्म हो गया था अल्लाह पाक के पास तो उसने कहा चलो ये बगैर आंखों के जाने दो, ऐसा नहीं है। वो इबरत है हमारे लिए। देख लो इसने को मेरे खिलाफ 302 का पर्चा को नहीं करा दिया, नमाज वो भी पढ़ता है, तुम कोई एहसान नहीं करते। तुम अपने ऊपर नजर डालो, अपने अहलाद पर डालो, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं अल्लाह के एहसानात को। ये है राबता। वो जो अमृत रस होता है ना वो इंसान का वो आंसू है जो अल्लाह के एहसानात को याद करके उसकी आंखों में आ जाता है। फरमाया अल्लाह पाक उस आंख पर जहन्नम की आग हराम कर देता है, जाना नहीं देखेगा भी नहीं। ये भी तो एक अजाब है ना कि जहन्नम में ना डाले, जहन्नम के सामने लाके खड़ा कर दे, ये भी अजाब है। वो जो जिनके आमाल बराबर हो जाएंगे पलड़े, नेकियां बदियां बराबर हो जाएंगी, ना नेकियां गालिब आई कि वो जन्नत में चला जाए, ना बदियां गालिब आई कि वो जहन्नम में चला जाए, उनको दरमियान में रखा जाएगा, ना जन्नती ना जहन्नमी। वो साहिब आराफ होंगे, जन्नत के भी किनारे पर होंगे, जहन्नम के भी किनारे पर होंगे। सूरह आराफ में उनका जिक्र है। वो इधर निगाह डालेंगे तो ये उबलते खोलते सांपों में लिपटे हुए दुहाइयां देते हुए नजर आएंगे और कहेंगे रब्बा अल्लाह तजालना मालकौम जालिमीन। अजाब ही है ना। और उधर देखेंगे नेमतों वाले, और नेमत देख रहा हो बंदा और मिले ना, ये भी अजाब है कि नहीं है। ये लोग खुदकुशी क्यों कर जाते हैं ये देख करके दूसरों के पास डॉलेंस है हमारे पास कोई नहीं है, ये भी एक अजाब है। कोई कोई बर्दाश्त करता है। ये टीवी बंदे मार रहे हैं, ये चैनल्स बंदे मार रहे हैं, ये आर्टिफिशियल एड्स उनकी बंदे मार रही हैं। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।